Hey awesome people, what's poppin', it's your boy Jay Solanki, welcome back to another vlog. Okay guys, so जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि सिचुएशन क्या चल रही है बाहर, तो मैं बाहर जाके व्लॉग शूट नहीं कर सकता बिकॉज मुंबई में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया है. और गाइज मैं बाहर जाके व्लॉग शूट नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है बट फिर भी मैं बाहर जाके व्लॉग शूट नहीं कर सकता ड्यू टू कोरोना एंड ऑल. सो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हारे हुडीज कलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाओ. सो गाइज तुम लोग अभी एक एक करके देखो कि मेरे पास कौन सी हुडीज है. और गाइज मेरे पास बहुत सारे हुडीज है जो कि मैं एक साथ सब नहीं दिखा सकता बिकॉज मेरा वार्डरोब पूरा फुल हो चुका है हुडीज से, तो मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता. जो जो मेरी फेवरेट है मैं आज वो शोकेस करूँगा, तो तुम लोग ध्यान से देखते जाना और वीडियो को फुल एंड तक देखते जाना तो तुम्हें पता चलेगा और तुम्हें मजा भी आएगी वीडियो देखने में. सो देखो. हुडी देख सकते हो. सो गाइज ये हुडी H&M की है और गाइज ये मुझे किसने तो भी गिफ्ट की थी. और गाइज ये हुडी मेरी लाइफ की पहली हुडी है जो कि मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि मैंने दानिश भाई को देखा था ये हुडी में और मुझे तब से ऐसा था कि मुझे हुडी चाहिए, मतलब चाहिए. सो गाइज ये हुडी है और ये बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है बिकॉज ये मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट हुडी टाइप है. इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारी हुडीज थी बट ये हुडी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, ये हुडी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है बिकॉज ये मैंने देखी थी दानिश भाई के पास. सो मेरे पास भी है. सो अभी बढ़ते आगे और दूसरी देखते हैं. जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये वाली पीस नाउ की हुडी है और ये भी H&M की है. मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हुडीज और जो भी मैंने क्लोथ बाय करता हूँ वो सारे H&M के ही रहते हैं मोस्टली. बस कभी कभार मैं यहाँ वहाँ से किधर और से या ज़ारा से खरीद लेता हूँ. और गाइस ये हुडी भी बहुत मेरी फेवरेट थी बट एक बार मैं फंक्शन में गया था और इस पर दाग लग गया तो मैं ये हुडी ज़्यादा नहीं पहनता हूँ. बट गाइस ये हुडी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और तुम लोग ने देखी होगी ये हुडी किसके पास थी किसके पास नहीं थी, तुम लोग को पता ही होगा. तो अभी आगे बढ़ते देख सकते हो ये वाली विटामिन डी वाली हुडी. सो गाइस ये पेस्टल कलर में मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुडी है बिकॉज ये कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है और ज़्यादा ये कलर में हुडी देखने को नहीं मिलती. और गाइस ये विटामिन डी वाला प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और गाइस ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट हुडी है. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते गाइस. मुझे पता है कि मैं एक एक करके सब लोग के सिनेमैटिक शॉट्स नहीं बता सकता बिकॉज अगर मैं वैसा करने गया तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो और हमारे पास बहुत सारे हुडी जाना बाकी है. सो देखो गाइस, सो हम लोग पेस्टल कलर्स की बात कर रहे हैं तो ये मेरा पेस्टल कलर में, सो ये पेस्टल कलर में ये मेरी फेवरेट हुडी है. और गाइस ये स्पंजबॉब की है और इसके अलावा भी मेरे पास और एक स्पंजबॉब की थी जो कि मैंने दे दी. और ऐसी बहुत सारी हुडीज थी मेरे पास जो कि मैंने बांट दी है यहाँ हुआ और कहाँ पर बांटी है मुझे खुद को नहीं पता. तो गाइस ये जो जो मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ उसमें से तुम लोग को क्या पसंद आई, कौन सी हुडी पसंद आई, सो गाइस कमेंट में जाना और कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सी हुडी पसंद आई. मैं अभी सब एक एक करके दिखा रहा हूँ. सबसे पहली बात सब लोग मुझे पूछ रहे थे तुम्हारे स्किन केयर रूटीन पे बताओ कि तुम्हारे स्किन पे क्या अप्लाई करते हो क्या नहीं. सो गाइस अभी तुम लोग मेरा स्किन केयर रूटीन देख के आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या अप्लाई करता हूँ और क्या नहीं. ओके ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो आज मैं वाव के विटामिन सी रेंज के बारे में बात करने वाला हूँ. तो देखो ओके ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ वाव का विटामिन सी फेस वॉश जिसमें बिल्ट इन ब्रश दिया गया हुआ है. ओके गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं जिसमें है लेमन एसेंशियल ऑयल और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जो कि हमारे स्किन टोन को ब्राइट होने में हेल्प करता है. ओके गाइस तो ये है वाव का विटामिन सी क्ले फेस मास्क, तो ये हमें ट्वाइस अ वीक यूज़ करना चाहिए. ओके गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स में है काकाडू पाम लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल एंड जोजोबा ऑयल. सो गाइस ये हमारे स्किन की डलनेस निकाल देता है और हमारी स्किन को एक ब्राइट एंड कॉम्प्लेक्शन देता है. ओके गाइस तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर. तो गाइस हमें इसे एक दो इंच दूर रख के स्प्रे करना है अपने पूरे फेस पे और फिर हमें इसे स्लोली स्लोली डैब करना है हमारे फेस पे. और गाइस ये अल्कोहल फ्री है और ये कोई भी स्किन टोन पे मैच करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है और रिफ्रेश करता है. सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आपका विटामिन सी फेस सीरम. ओके गाइस हमें इसे इस तरह यूज़ करना है जो कि हमें एक पिंच लेना है और हमारे स्किन पर और फिर हमें इसे स्लोली स्लोली डैब करना है हमारे फेस पे. इसे दो मिनट के लिए इसे
सुखाने के लिए रखना है। और गाइज ये फेस सीरम ऑयल फ्री है और जो कि वाव के प्रोडक्ट 100% मेड इन इंडिया है। वाव के प्रोडक्ट 100% जेन्युइन है। जैसे कि तुम ये QR कोड देख सकते हो और स्कैन कर सकते हो तो तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानने मिल जाएगा। और वाव के प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो या कि अपने नियर स्टोर में भी जाके बाय कर सकते हो। सो गाइज इंजॉय करो वाव। तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है और क्या नहीं में क्या अप्लाई करता हूँ। सो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सो जाओ तुम लोग अभी भी जाके वाव के प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, जल्दी से बाय करो। और गाइज ये आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी। सो गाइज मोस्टली मुझे येलो टाइप कलर्स ज़्यादा मैं पहनता नहीं हूँ बिकॉज मुझे नहीं इतना अच्छा नहीं लगता येलो, बट ये येलो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गाइस इसकी प्रिंट अच्छी है और इसकी बैक प्रिंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और गाइस येलो में मुझे ये कलर अच्छा लगा, ये थोड़ा अलग से हटके येलो है तो अच्छा लगता है ये। सो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। बेबी पिंक कलर में मेरे पास सिर्फ एक ही हुडी है और गाइस मैं मुझे लेनी ही होती तो मैं बेबी पिंक हुडी ले चुका रहता पहले भी, बट बेबी पिंक मुझे ऐसा नॉर्मल प्लेन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो गाइस ये बेबी पिंक में पूरा LV का प्रिंट है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और गाइस ये हुडी मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की थी आयन और अमन ने। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम लोग को अगर कोई लोग जानते रहे आयन और अमन को तो वो लोग के रिलेटिव में एक डिज़ाइनर है जो कि दानिश भाई के लिए भी डिज़ाइन कर चुके हैं हुडीज़ और ट्रैक सूट, सो ये उन्होंने ही बनाया है और ये बहुत ज़्यादा बॉम है। और गाइस इसे मैं कभी पहना नहीं हूँ मोस्टली बिकॉज मैं इसे गंदा नहीं करना चाहता तो इसे मैं पहना नहीं हूँ। और गाइस ये नासा की हुडी है। गाइस नासा में मेरे पास बहुत सारी हुडीज़ है बट ये वाली मेरी फेवरेट है बिकॉज नासा की बाकी सारी हुडीज जगह मगा मुझे लगती है और उन लोग एकदम मतलब कि अजीब दिखती है, और ये वाली मेरी फेवरेट है पर्सनल बिकॉज ये बेसिक है ऑलमोस्ट और इस पर बस यही प्रिंट दिया गया है। और गाइस ग्रे कलर जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा हर एक पैंट के नीचे मैच होता है। और गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छी हुडी है, मुझे पसंद है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ ये हुडी को लेके, ये मेरी top 3 फेवरेट हुडी है जो कि रिसेंटली मैंने बाय की और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस इसमें से ये वाली है, ये गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ब्लू फ्लेम और ये पनानी और पीछे भी इसका एक अच्छा सा प्रिंट है। और गाइस ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुडी है, तुम मानो या ना मानो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुडी है। और गाइस तुम लोग को भी ये हुडी पसंद है क्योंकि जब भी मैं पहनता था तो तुम लोग मुझे रिप्लाई टू स्टोरी करते थे और मुझे बोलते थे ये हुडी कहाँ से बाई किया H&M से बाई किया था मैंने ये हुडी। और गाइस ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुडी है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हुडी में। तुम लोग देख सकते हो ये फ्लेमिंग अब ओके सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये फ्लेमिंग हॉट वाली हुडी। सो गाइस ये पूरी तरीके से बेसिक है, इसके पीछे प्रिंट नहीं है कुछ नहीं, बस इसको जो फायर की प्रिंट है यहाँ पर और यहाँ पर। और गाइस ये हुडी मुझे लग बाय चांस मिली थी बिकॉज ये हुडी जब मैं ख़रीदने गया था तब मैं कुछ पैसों के लिए शॉर्ट था, बट बाद में मैंने ये हुडी देखी और ये हुडी मुझे ऑनलाइन सेल में मिली और गाइस मैंने इसे ख़रीद लिया जैसे ही देखा तो मैंने इसे ख़रीद लिया। और गाइस ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुडी है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, और मैं इसे पहन के मेरे रील्स वीडियो भी बनाता हूँ जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा। अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फॉलो करो, वहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ। सो गाइस बढ़ते हैं हमारी लास्ट और मेरी सबसे फेवरेट हुडी के ऊपर, सो लेट्स गो। ओके ऑलराइट गाइस, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये मेरी सबसे फेवरेट हुडी है। गाइस ये मेरे बचपन का याद दिलाती है, मिकी माउस क्लब हाउस में देखता था। और गाइज ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुडी है, ये एकदम बेसिक और सिंपल है और ये ओवर साइज है। और गाइज ये हुडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इसे पहन के मैं हर जगह पे जा सकता हूँ बिकॉज ये बेसिक है और ये इतना ज़्यादा जगह मगा भी नहीं दिखता और ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। और गाइज ये हुडी ज़ारा की है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइज ये हुडी सबसे एक्सपेंसिव है, आई गैस ये हुडी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाकी हुडीज से। और गाइज ये मेरी फेवरेट हुडी है। और गाइज सबसे पहली बात, मैं तुम लोग को वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक मेरा स्वेटशर्ट दिखाना चाहता हूँ, तो रुको।
ओके ऑलराइट गाइस, सो वीडियो एंड करने के पहले मैं तुम्हें ये वाली स्वेटशर्ट दिखाना चाहता था, बिकॉज ये वाली स्वेटशर्ट मेरी फेवरेट है और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये टाइगर है एंड स्नेक प्रिंट। और गाइस ये कलर और एक पेस्टल कलर है जो कि मेरा फेवरेट कलर है। और गाइस मुझे ये स्वेटशर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस जो भी तुम लोगों ने देखा हुडीज और गाइस अभी जो भी तुम लोगों ने हुडीज देखी उसमें से तुम्हारी कौन सी फेवरेट है पर्सनली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस अगर तुम चाहते हो कि मैं और स्वेटशर्ट पे भी बनाऊँ और मेरे यूनिक यूनिक टी शर्ट और बहुत सारी चीज़ों पे बनाऊँ, सो जो भी तुम लोगों को वीडियो अच्छी होगी तुम लोग जाओ नीचे जाके कमेंट करो। और जो लोग ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ जाके सब्सक्राइब करो जेफ एम ऑसम स्क्वाड और सब्सक्राइब करो। और आज की वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप सो तुम लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं अभी स्वेटशर्ट और हुडी पहन के अभी पिघल रहा हूँ अंदर से बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और गाइस सब्सक्राइब करके जाओ। सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू हिट अ लाइक कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टिल देन हिट अ दैट पीस ब्रो।